लेकिन ऐसा प्रत्याशी आ गया जो सारे दल को धोखा देता है, यहां तक कि समाज के लोगों को भी धोखा देता है, सबको धोखा देता है। समाज में जो चमचे हैं चौहान समाज में, उसी का यह काम करता है। बकिया गरीब तबके लोग हैं, उनका यह काम नहीं करता। यशवंत शाही जी क्या कर रहे हैं इस बार? साइकिल को वोट दिया हूँ। कहे साइकिल को दे आए, कहे भाजपा को दे। सरकार भाजपा की है। सरकार की भाजपा की, भाजपा का गुलाम हो गया। भाजपा का गुलाम नहीं हूँ, मेरा वोट स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र वोट दूंगा। क्या बता रहे? साइकिल दिल्ली तक जाएगी। साइकिल दिल्ली तक जाएगी, हिला दिए बिल्कुल भाई। सरकार से सारे लोग त्रस्त हैं। ये जो गवर्नमेंट है डबल इंजन की सरकार, इससे सारे लोग परेशान। आप ये बताइए, मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ, एक गरीब को 5 किलो राशन दे रहे हैं महीने का, अगर मोदी जी चाहे जोगी बाबा को दे दिया जाए 5 किलो राशन, वो महीने भर खा लेंगे? बारे सरकार 24 का चुनाव जिसको लड़ना हो आएगा, घोसे में लड़ने के लिए उसको सबक सिखाया जाएगा भाजपा का। 24 का चुनाव जो बहादुर लड़ने वाला हो आएगा उस की हिला देंगे भाजपा को घोसी में। घोसी में हिल गई है भाजपा, हिल गई है। बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, कोई दिग्गज नेता आए उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ की जनता का जनता बहुत बुद्धिजीवी है। यहाँ से जो है सपा निकल रही है। सपा का है, सपा जो है जीत रही है यहाँ। सपा क्यों और दारा का क्यों नहीं माहौल बनता? दारा सिंह जो है अगले बार जो है भाजपा में थे, भाजपा से सपा में आए, सपा से फिर छोड़ करके भाजपा में गए। यही गुस्सा था, यही गुस्सा है लोगों पे। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं सतेज कांत। आपको बता दें हमारी मौजूदगी इस समय घोसी में है, और बीते दिन की बात करें तो वोटिंग हो चुकी है यहाँ पर, जो यहाँ पर उपचुनाव था। बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि माहौल किसका बनता दिखाई दे रहा है, और 8 तारीख को जो काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद यहाँ से विधायक कौन बनने वाला है। यहाँ की महत्वपूर्ण बात एक और भी बता दें, जो इंडिया अलायंस जो बनी है वो एक तरफ से पूरी तरीके से इस विधानसभा में पूरी तरीके सपोर्ट भी किया है। तो लोगों से बात करते हैं, जानते हैं माहौल क्या है। सर नाम क्या है आपका? कन्हैया लाल ठाकुर। कन्हैया लाल जी, एक घोसी विधानसभा में है इस समय, जगह कौन सी कहलाती है? मझवारा मोड़ घोसी है। मझवारा मोड़, क्या लगता है कौन आ रहा है यहाँ? यहाँ से जो है सपा निकल रही है। सपा का है, सपा जो है जीत रही है यहाँ। सपा क्यों और दारा का क्यों नहीं माहौल बन? दारा सिंह जो है अगले बार जो है भाजपा में थे, भाजपा से सपा में आए, सपा से फिर छोड़ करके भाजपा में गए। यही गुस्सा था, यही गुस्सा है लोगों पे। साइकिल चल जाएगी? साइकिल तो निकलेगी ही, साइकिल चल जाएगी। आपका नाम क्या है? सुभाष सिंह यादव। सुभाष सिंह जी, किसका माहौल दिख रहा है यहाँ? सपा की। सपा का क्यों दिख रहा है, भाजपा क्यों नहीं? भाजपा इस बार, दारा सिंह पिछली बार विधायक भी बने थे 22 में, भाजपा में चले गए, भाजपा की तो सरकार भी है, तो भाजपा क्यों नहीं? दो बार वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रह चुके थे, कोई काम नहीं किए घोसी के लिए। एक बार फिर भाजपा से फिर बने मंत्री, कोई काम नहीं किए। फिर सपा से आए, लोगों ने चुन के उनको भेजा, उनको अपना दायित्व तो बचाने के लिए फिर भाजपा में जाना पड़ा। तो जो 16 महीने में ही चुनाव करवाएं ऐसे ऐसे करके, तो उनकी क्या गारंटी है कि घोसी की जनता को क्या करेंगे? कि टाटा बाय बाय कर देंगे एकदम। यहाँ से सुधाकर सिंह मानी, सुधाकर सिंह जीतेंगे और 50,000 से ऊपर से चुनाव जीत जाएंगे। बड़ी मार्जिन भी तय कर दी आप लोग। एक क्यों नहीं, वोट जब पड़ा है तो जनता ने दिया है तो मार्जिन तो करवे करेगा। लेकिन एक बात करें, कई जगह पे ऐसी बातें हो रही थी कि वोट देने भी नहीं दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कुछ ऐसा भी माहौल था? नहीं नहीं, ऐसा था कि वोट तो जिसका था वो वोट दिए भी, बाद में दिए देने जाने दिया, कोई रुकावट नहीं आई। बाकी माहौल जो है सपा का ही बन रहा है। सपा का क्यों बन रहा है, क्या वजह है, दिल में क्या है? कि जो कि जो है कि चौहान जी से लोग जो है कि दारा चौहान से लोग जो है कि उनको कुछ कार्यभार से खिंज होकर के सपा को च्वाइस किए। आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि उनको मत दिए हैं, लोगों को जिसे जो रुझान रहा है सबसे बेहतर और बढ़िया रहा है। आपको भी पसंद आए सपा के प्रत्याशी? सपा के प्रत्याशी का को पसंद आया, बहुत लोगों ने पसंद किया, और उनको लग रहा है कि बहुत बढ़िया वोटों से वो जीत जाएंगे।
जीत जाएंगे। जी जी जाएंगे। मुस्कुराहट बता रही है कि यहाँ से कौन जीत रहा। आपका सर नाम क्या है? प्रदीप सिंह सिसोदिया। क्या लग रहा है यहाँ पे कौन जीत रहा? यहाँ पर सुधाकर सिंह की जीत सुनिश्चित हो गई है। सुधाकर सिंह को क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं आपसे काउंटर सवाल करता हूँ कि आज 16 महीने में चुनाव कराने की, अगर विधायक ही बनना था तो 16 महीने के अंदर ही चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? आप विधायक ऑलरेडी थे। आप लोग के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए? वो हमारे लिए नहीं गए। देखिए, मैं इंडिया अलायंस का व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, ठीक ना। मैं इंडिया मैं यहाँ भाजपा उजपा की कोई बात नहीं है हमारे तरफ से, इसलिए मैं तो उनको सपोर्ट किया हूँ, तो चारों तरफ घूमा हूँ, उनके साथ भी घूमा हूँ, ऐसे भी घूमा हूँ। हाँ, इस बार जो है हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर यहाँ के जिला अध्यक्ष को जो है प्रेषित किया, उसके बाद हम लोग अपना जी जान लगा के दौड़े हैं। कम से कम 2500 गांव में मैं खुद उनके साथ गया हूँ, ऐसे भी घूमा हूँ। चारों तरफ जनता ही चुनाव लड़ रही है। अब वो पार्टी से भी हटके अब सुधाकर सिंह बनाम दारा चौहान चुनाव क्यों आप कराए? एक दल बाकी नहीं है जिस दल में ये नहीं गए हों। यह कांग्रेस में भी कुछ दिन के लिए आए थे, लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ इनको तवज्जो कुछ नहीं मिली। उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो है फिर भाजपा में गए, सपा में गए, फिर सपा से MLA बन गए। और हमको तो लगता है कि जब वन मंत्री 5 साल थे यहाँ मधुबन से जब जीते थे, तो उस समय जो हो सकता है कुछ 1000 करोड़ का घोटाला वगैरह था, उससे भय खा के भी ये जा सकते हैं वहाँ कि अब की हिला देंगे भाजपा को घोसी में। घोसी में हिल गई है भाजपा, हिल गई है। बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, कोई दिग्गज नेता आए उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। यहाँ की जनता बहुत बुद्धिजीवी है। आज 25 वर्ष से जो है दूसरे जनपद का व्यक्ति आके कभी उस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, कभी उस पार्टी से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक पैसे का काम नहीं किया। किसी विधानसभा के लोगों ने रोड के अलावा कहीं बाहर उसका चेहरा नहीं देखा। नाराजगी काफी है आपके? काफी नाराजगी। आपका नाम क्या है? अवधेश सिंह। अवधेश जी, क्या दिख रहा है यहाँ पे माहौल? किसका, साइकिल या फिर कमल? कौन खेल रहा है यहाँ? साइकिल। साइकिल क्यों चाचा? हाँ, साइकिल क्यों? साइकिल खेल रही है, साइकिल चल रही है। हाँ। मुस्कुरा के बता रहा है। सही बता रहे हैं ना, चप्पा लगा के आए लग रहा है। हाँ, दिला देंगे आपकी। हाँ, अरे डिप्टी CM वगैरह आए थे तब कोई फर्क नहीं डाल पाए? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं तो सर इस विधानसभा का नहीं, इधर के नहीं है बिल्कुल। 10-15 आदमी सुबह से मिले हैं कि नहीं मिले हैं? सारे लोग यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि साइकिल दिल्ली तक जाएगी। साइकिल दिल्ली तक जाएगी? हाँ, हिला दिए हैं बिल्कुल भाई। सरकार से सारे लोग त्रस्त हैं। ये जो गवर्नमेंट है डबल इंजन की सरकार, इससे सारे लोग परेशान हैं। तो आपकी, आप ये बताइए, मैं मोदी जी से पूछना चाह रहा हूँ, एक गरीब को 5 किलो राशन दे रहे हैं महीने का, अगर मोदी जी चाहे जोगी बाबा को दे दिया जाए 5 किलो राशन, वो महीने भर खा लेंगे? बारे सरकार काफी नाराज है यहाँ की जनता। आपने क्या किया? सर हम लोग तो समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं। समाजवादी एकदम से बिल्कुल खुला खुला बता? नहीं सर, हम लोग तो किसी दल के नहीं है, लेकिन ऐसा प्रत्याशी आ गया जो सारे दल को धोखा देता है, यहाँ तक कि समाज के लोगों को भी धोखा देता है, सबको धोखा देता है। समाज में जो चमचे हैं चौहान समाज में, उसी का यह काम करता है। बकिया गरीब तबके लोग हैं, उनका यह काम नहीं करता है। जब कोई मिलने इसे जाता है तो नंबर से पर्ची जाती है तो यह मिलता है। आपकी साइकिल चलेगी जब? एकदम जबरदस्त चलेगी, यहाँ तक कि चौहान समाज में भी 25% साइकिल चली है। चल गई है एकदम। इतना एक तरफा इस बार चुनाव हो गया? एक तरफा चुनाव हो गया है। मदन मोहन जी, क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे? अब हम लोग भाई, हम बताए ना आपसे कि हम तो दे दिए। किसको? साइकिल को। साइकिल चलेगी? अब चल रही है। क्या मार्जिन रहेगा जीत का? अभी तो भाई अगर ना बता पाएगा, नहीं बता पाएंगे, लेकिन साइकिल चलेगी। अच्छा, ये दुकान आप की है? दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? अरे भाई 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 200 भी आ सकते हैं। 200 लोग अगर आ जा रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? बात यहाँ दुकान देखा, बात सुनते नहीं सुनते, फिर भी माहौल किसका है?
तो सुधाकर सिंह का माहौल तो बन रहा है। सुधाकर सिंह का हाँ, पीछे एक दादा और भी बैठे हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। दादा नाम क्या है? यशवंत शाही। यशवंत जी क्या कर रहे हैं इस बार? यशवंत शाही पूरा नाम। यशवंत शाही जी क्या कर रहे हैं इस बार? साइकिल को वोट दिया हूँ। अरे साइकिल को दे आए, कहे भाजपा को दे। सरकार भाजपा की है। सरकार की भाजपा की। भाजपा का गुलाम हूँ क्या? भाजपा का गुलाम नहीं हूँ, मेरा वोट स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र वोट दूंगा। साइकिल में क्या फायदा दी? साइकिल में फायदा है, एक साल में 6 बार चुनाव कहीं होता है हिंदुस्तान में? आप बताइए कि एक साल में 6 बार कहीं चुनाव हुआ है? घोषित भी नहीं हुआ है, क्यों हुआ है? दादा चौहान अगर MLA थे तो भाजपा में क्या भाजपा की सरकार गिर जाएगी? अगर सुधाकर सिंह जीत जाएंगे तो क्या सपा की सरकार बन जाएगी? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल का जवाब। सरकार तो नहीं बनेगी। हाँ, तब सुधाकर सिंह को फिर क्यों जिता रहे हैं? सरकार तो भाजपा के बड़ा लाभ होता। हमको लाभ नहीं है, हमको सुधाकर सिंह से लाभ है। सुधाकर सिंह घर के आदमी है। भाजपा क्या दारा सिंह चौहान को देखा नहीं हूँ, गोरा काले कैसे है? कभी आते नहीं है दारा सिंह? आते होंगे तो नुनियो बस्ती में आते होंगे, दुनिया जाने, हम क्यों जाने उनको? इस बार साइकिल चल के रहेगी? साइकिल चलेगी नहीं, साइकिल 80 की स्पीड से दौड़ रही है, दौड़ेगी। 35,000 के वोट से अगर ईमानदारी से मतगणना हुई तो 35,000 वोट से सुधाकर सिंह चुनाव फाइट करेंगे। 40 मिनिस्टर आए थे, क्या करने आए थे? एक बड़े मंत्री आए थे यहाँ। ये क्या नाम है, कौन चौधरी है? ये गिर गई ना मेढ़ी पर, जे सड़की पर चले थे, मेढ़ी पर चली, ये गाँव है मेढ़ी पर चले खाली नाम। सूर्य प्रताप शाही आए थे, जो क्या नाम खाद बीज के दुकानदार है उनको बुलाए कि आप नहीं अगर वोट देंगे तो आप हटा दिए जाएंगे, ये कोई वोट का तरीका है? भाजपा यहाँ से गए? भाजपा गए नहीं, लुक बांध कर गई। लुक बांध के? हाँ, लुक के को। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो लखनऊ का। देहाती भाषा में हमारे एक दिवाली होली खेली जाती है, उसमें लुक जलाया जाता है, वही लुक बांध कर हम लोग खेले हैं उनको। 24 का चुनाव जिसको लड़ना हो आएगा घोषित में लड़ने के लिए, उसको सबक सिखाया जाएगा भाजपा का। 24 का चुनाव जो बहादुर लड़ने वाला हो आएगा उसको। नाराजगी कितनी है यहाँ पर, साफ तौर से कह रहे हैं सुधाकर सिंह को जिता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो दारा सिंह है, उनको साफ तौर से कह रहे हैं कि उन्होंने अपना टिकट जो था, जो उनको मिला था, जो जीते थे समाजवादी पार्टी से, उन्होंने अपनी विधायकी क्यों छोड़ी, क्यों गए, इसको लेकर के नाराजगी है। और भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराजगी है लोगों की, साफ तौर से कह रहे हैं यहाँ पर। साइकिल एक बड़ी मार्जिन से जीतने वाली है समाजवादी पार्टी। एक दादा कह रहे थे 35,000 प्लस वोट्स की मार्जिन से जीते, कोई कह रहा 50,000 प्लस वोट की मार्जिन, तो साफ तौर से आप समझ रहे हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी निकल रही है। देखने वाली बात होगी 8 तारीख को जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं उसे तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।